और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबर, खबरें देखते हैं गांव की। विक्रम के दुल्हिन बाजार प्रखंड में महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर उषा विद्यार्थी की अगुवाई में कमल ज्योति संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का अरवल जाने के दौरान खोरेटा चौक पर विक्रम मंडल अध्यक्ष नीरज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विक्रम में धनाड़ा मोड़ के समीप ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने एक अज्ञात वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद किया। विक्रम के पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय में भारतीय सेना के पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए जुलूस निकाला। विक्रम में नगर गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक 4 वर्षीय मासूम पर गाड़ी चढ़ा दी। विक्रम नगर पंचायत के बाबा खोरेटेश्वर नाथ मंदिर में कमल ज्योति संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विक्रम के दलित अति पिछड़ा जाति विकास मंच की तरफ से प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। विक्रम प्रखंड के दतियाना गांव में कमल ज्योति संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने पर खुशी जाहिर की गई। विक्रम प्रखंड मुख्यालय के शहीद स्मारक पर कमल ज्योति संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विक्रम नौबतपुर थाना इलाके के दानागंज गांव में पिछले 12 फरवरी को दबंगों की पिटाई से घायल शिशुपाल रजत नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। विक्रम के नौबतपुर थाना इलाके के सिलहौरी पेट्रोल पंप के समीप बालू से लदे हुए ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। विक्रम के पालीगंज में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गई जिसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। विक्रम के दुल्हिन बाजार में एक बेकाबू ऑटो के पलटने से 6 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुंगेर के सरगंज थाना परिसर में बिहार पुलिस सप्ताह दिवस के मौके पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज नहीं खोले जाने और मुंगेर की इस मांग को लेकर इसके विरोध में संयुक्त विपक्षी पार्टियों ने बिहार सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। मुंगेर के खड़गपुर नगर में हैप्पी माइंड फाउंडेशन की तरफ से पहली से दसवीं कक्षा के छात्र छात्राओं के बीच ब्रेन एक्टिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेर के खड़गपुर प्रखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने संयुक्त रूप से पहाड़ की तराई से सटे गांव में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। मुंगेर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और जीविका संगठन केंद्रों पर मतदाता दिवस मनाया गया। मुंगेर में पुलिस सप्ताह के तहत गंगटा थाना इलाके के मध्य विद्यालय गंगटा में स्कूली छात्रों के बीच वाद विवाद और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की होने वाली संकल्प रैली की तैयारी शुरू हो गई है। मुंगेर में बहिरा पंचायत के भदौरा गांव के पुआल की टाल में अचानक आग लग गई जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरभंगा के कमतौल थाना प्रभारी अजीत कुमार ने छापेमारी के दौरान गंजर घैली गांव से थाना कांड के आरोपी रामपुकार यादव को गिरफ्तार किया। दरभंगा के बीएड कॉलेज बहेड़ा में गणित विषय की परीक्षा में फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई पकड़ा गया। दरभंगा के बेनीपुर एसडीओ से कई बाइक चालकों ने मझौड़ा पंप पर तेल में मिलावट की शिकायत की। दरभंगा के केवीटी के सेंट्रल बैंक केवीटी शाखा के बाहर चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी की। एमएसयू की तरफ से निकाली गई पदयात्रा का बेनीपुर में स्वागत किया गया। मिथिलांचल में विकास को गति देने के लिए पदयात्रा निकाली गई। कोसी वासियों को लंबे इंतजार के बाद मुंबई के लिए मिली ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस को सहरसा में सांसद पप्पू यादव ने हरी झंडी दिखाई। सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड के दुर्गा मंदिर परिसर में बीजेपी की तरफ से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सहरसा में पुलिस सप्ताह के मौके पर पुलिस एकादश बनाम मीडिया एकादश के बीच मैच खेला गया। छपरा में पीएम कौशल केंद्र लौवा में एमएलसी ईज सचिदानंद राय ने कमल ज्योति कार्यक्रम के तहत भारत के नक्शे को दीपों से सजाया। मकेर प्रखंड कार्यालय के निकट सीपीआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर किसानों के 12 सूत्री मांग का समर्थन किया।
छपरा में मकेर थाने के चकिया गांव के पास NH 722 पर अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार दोनों युवकों को कुचल दिया। छपरा के माझी प्रखंड के माझी पूर्वी पंचायत के 12 नंबर वार्ड के लिए होने वाले चुनाव में सहनवाज हुसैन को निर्विरोध वार्ड घोषित किया गया। छपरा के माझी थाना अध्यक्ष नीरज मिश्रा ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। छपरा के परसा मथुरा के मारुति नंदन हनुमान मंदिर में प्रतिमा स्थापना कर वार्षिकोत्सव पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। छपरा में दो मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बेगूसराय के उच्च विद्यालय वीरपुर के मैदान में 3 दिवसीय रामचरितमानस सह गीता ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन हुआ। छपरा में वीरपुर प्रखंड के वीरपुर पश्चिमी पंचायत में एक घर में आग लग गई है, जिससे घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बेगूसराय में पुलवामा आतंकी हमले का वायुसेना के पाकिस्तान में घुसकर बमबारी कर बदला लेने का जश्न देर रात तक जारी रहा। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर प्रखंड के बगाही गांव के सैकड़ों परिवार जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। सीतामढ़ी में परसौनी प्रखंड के बलहा मुशहरी के लोग बांस के बने पुल के सहारे सफर करने को मजबूर हैं। सीतामढ़ी में सुरसंड प्रखंड के बघारी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। सीतामढ़ी के डुमरा सदर आयुर्वेद अस्पताल का हाल बेहाल है, समय पर डॉक्टर के नहीं आने से मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। फारबिसगंज के रानीगंज में युवा शक्ति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने महादलित समुदाय के लोगों के साथ मिलकर भूमि विवाद का निपटारा किया। फारबिसगंज के पोस्ट ऑफिस चौक स्तूत फाइव वर्ल्ड स्कूल के वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। फारबिसगंज सदर में दंत वेदांता का उद्घाटन डीएम वैद्यनाथ यादव ने किया। फारबिसगंज के भाग कोहलिया निवासी फारूक खान को असंगठित कामगार कांग्रेस का जिला समन्वयक मनोनीत किया गया। सिवान में दारोंदा प्रखंड के राम जानकी मंदिर पर रुद्र महायज्ञ सह कलश यात्रा निकाली गई। सिवान में जीरादेई प्रखंड के नरेंद्रपुर में शहीद उमाकांत सिंह उच्च विद्यालय के प्रांगण में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। सिवान में रघुनाथपुर प्रखंड में खरवार जाति संघ जिलाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार खरवार के नेतृत्व में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सिवान के पचरुकी प्रखंड इलाके में नल जल योजना में हो रही देरी को लेकर वार्ड सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की है। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में खनन मंत्री विनोद सिंह ने झौआ गुठेली से गररुआ तक बनने वाली पक्की सड़क का शिलान्यास किया। कटिहार के हसनगंज प्रखंड में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्राणपुर प्रखंड के NH 81 मुख्य सड़क से कचियाही गांव की ओर जाने वाली पक्की सड़क ढह जाने से राहगीरों को काफी दिक्कत हो रही है। अहमदाबाद प्रखंड के गंगा घाट पर खनन विभाग ने पकड़ी गई नाव पर जुर्माना लगाया। हसनगंज प्रखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर मनरेगा भवन के सभागार में बैठक हुई। अहमदाबाद प्रखंड के गरैया गांव से सटे तालाब में एक अज्ञात युवक का शव मिला। कटिहार के बारसोई प्रखंड में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने अलग अलग गांव में 2 भवनों का शिलान्यास किया। कटिहार के सेमापुर पंचायत में डिजिटल एजुकेशन स्लीप सेंटर ने युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र दिए। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में शिक्षक शिक्षिकाओं को 1 दिवसीय ट्रेनिंग दिया गया। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में किराए के मकान में रह रहे शिक्षक का संदिग्ध हालत में शव मिला है। कटिहार के कदवा प्रखंड में 100 वर्षों का ऐतिहासिक कल्याणी मेले का आयोजन हुआ, जिसमें नेपाल और दूसरे राज्य के श्रद्धालु शामिल हुए। बाढ़ मठमल गोला थाना इलाके के रामनगर दियारा पंचायत में गेहूं के खेत में एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। बाढ़ के किडजी प्ले स्कूल में वार्षिक महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोकामा के युवाओं ने ब्लड बैंक के लिए एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बेतिया के लौरिया में सैकड़ों छात्रों ने गांव से लेकर शहर तक सैनिकों के सम्मान में जुलूस निकाला। नरकटियागंज के रूपवलिया गांव में RRC T20 टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रामनगर और सरिसवा के बीच खेला गया। बेतिया के चनपटिया प्रखंड कार्यालय में BDO दीनबंधु दिवाकर ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 5 लाभुकों का चयन किया।
बेतिया के सिकटा बसकवा चौक पर अज्ञात चोरों ने तीन दुकानों को निशाना बनाया और लाखों का मोबाइल और लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया। बेतिया में 3 तारीख को ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के तहत डॉक्टरों का सेमिनार होने वाला है। बेतिया शहर के महाबटोली में 10 लाख ऋण के लिए घर पर बैंक का दलबल पहुंचा और घर को सील करने की तैयारी शुरू कर दी। बेतिया आईटीआई मैदान में कुशवाहा समाज का सम्मेलन किया गया जिसमें एमएलसी रामेश्वर महतो और पूर्व सांसद वैद्यनाथ महतो ने भाग लिया। मधुबनी के बेता परसा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट विजेता टीम को जिला पार्षद ने कप दिया। मधुबनी के मधेपुर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया। मधुबनी के अंधरा ठाड़ी थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। मधुबनी के पंडौल थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के एमएस पब्लिक स्कूल में नए सत्र में पूरी तरीके से आवासीय हो गया है विद्यालय को 450 क्षमता वाले आवासीय विद्यालय में तैयार किया गया है। मोतिहारी के ढाका प्रखंड के एसबीआई और सेंट्रल बैंक में सिकरहाना के डीएसपी आलोक कुमार ने सघन जांच अभियान चलाया। मोतिहारी के आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रांगण में बीजेपी की तरफ से मिशन मोदी अगेन पीएम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोतिहारी में कोटवा प्रखंड के नदी कान्ही गांव में आग लगने से 5 घर जलकर खाक हो गए। समस्तीपुर के जेडीयू जिला कार्यालय लोहिया आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। आरएलएसपी ने समस्तीपुर के सराय रंजन कॉलेज मैदान में आगामी 2 मार्च को आयोजित होने वाली लोकसभा स्तरीय महासम्मेलन की शुरुआत की। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में नए साइकिल स्टैंड का उद्घाटन एमएलसी हरि नारायण चौधरी ने किया। दलसिंह सराय थाना के लोकनाथपुर गंज मोहल्ले में पुआल लदे एक ट्रैक्टर के ट्रॉली में आग लगा दी गई। दलसिंह सराय प्रखंड के छत्रधारी इंटर विद्यालय के मैदान में निवर्तमान थाना प्रभारी नरेश पासवान के लिए विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दलसिंह सराय अनुमंडल के सभागार कक्ष में लोकसभा निर्वाचन चुनाव के मद्देनजर 134 उजियारपुर और 138 विभूतिपुर के सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हुई। पूर्णिया सदर जिला क्रिकेट संघ की तरफ से 39वां जिला क्रिकेट लीग मैच का आयोजन किया गया। पूर्णिया कस्बा प्रखंड के कस्बा थाना पुलिस ने अलग अलग मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूर्णिया कृत्यानंद नगर प्रखंड के धमदाहा स्टेट हाईवे पर ऑटो और बाइक के बीच टक्कर हो गई जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पूर्णिया धमदाहा प्रखंड के पूर्व पंचायत के सरपंच फतुली ऋषि का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पूर्व पंचायत के सरपंच फतुली ऋषि के देहांत के बाद पूरे पंचायत में शोक की लहर है। बघाट प्रखंड के सब जेल में मृत कक्षपाल गुलशन कुमार को अंतिम विदाई दी गई। बघाट प्रखंड के डीएम एकेडमी हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा दे रही परीक्षार्थी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बघा के रामनगर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी विजय वर्मा को सरकारी काम में घूस लेते हुए निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया। बघा प्रखंड के परसौनी में ओवरलोड ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गई। कोडरमा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष कुलवीर सलूजा ने अपने आवास पर कमल ज्योति संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड में भी युवाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को लेकर खुशी का इजहार किया। कोडरमा में चंदवारा प्रखंड के सिक्योर एजुकेशन एकेडमी के बच्चों ने सीपीएस ओलंपियाड में अपना परचम फहराया। बीजेपी एससी एसटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष धीरज कुमार की अगुवाई में चंदवारा प्रखंड में कमल ज्योति संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पलामू में तरहसी बाजार के सुभाष चौक पर बीजेपी नेता अमित प्रकाश के नेतृत्व में कमल ज्योति योजना के तहत दीप जलाए गए। तरहसी के तरहसी बाजार में स्वराज मेले का उद्घाटन युवा नेता प्रिंस पांडे और तरहसी थाना प्रभारी संजय नायक ने किया। पलामू में मैदरीनगर के 6 महान चौक और बैरिया चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमल ज्योति योजना के तहत दीप जलाया। पलामू में डाल्टनगंज के पंचमहान चौक पर भारत के पाकिस्तान पर हमले का लोगों ने जश्न मनाया।
राजबाड़ी के बीजेपी नेता आर एन तिवारी ने चतरा लोकसभा क्षेत्र के प्रतापपुर हंटरगंज का दौरा किया और जनता से मुलाकात की। पलामू में विश्रामपुर के वार्ड नंबर 16 में कब्रिस्तान सेठ की नगर उपाध्यक्ष अनिल कुमार पांडे और नगर पार्षद पूनम देवी ने आधारशिला रखी। पलामू में चैनपुरा के चांदो में विधायक आलोक चौरसिया ने 45 लाख रुपए से बन रहे सड़क और पुलिया का शिलान्यास किया। पलामू में वन अधिकार अधिनियम के खिलाफ जेएमएम के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वन अधिकार अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी की। पाकी में नेहरू युवा केंद्र के अक्षय कुमार के नेतृत्व में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। गढ़वा में वंशीधर नगर पंचायत इलाके के वार्ड नंबर 3 में गर्ल्स हाई स्कूल के समीप 2 सीटर महिला और पुरुष यूरिनल का शुभारंभ किया गया। गढ़वा के कांडी प्रखंड में कमल ज्योति दीप उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गढ़वा में कांडी प्रखंड के लमारी कला आंगनबाड़ी केंद्र पर सास बहू और पति सम्मेलन का आयोजन किया गया। गढ़वा के रंका आदित्य मोबाइल की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गढ़वा में 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर टीसी के आदेश पर प्रखंड के सभागार में चुनाव संबंधी एक दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। गढ़वा में रंका प्रखंड के सभी बीएलओ का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। गढ़वा के कांडी प्रखंड मुख्यालय से सटे डबरिया गांव के मुस्लिम बहुल टोले के लोगों ने आम चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया। गढ़वा के कांडी में मां सतबहिनी झरना तीर्थ में आयोजित 18वें मानस महायज्ञ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भवनाथपुर प्रखंड इलाके की पररिया पंचायत में महाशिवरात्रि महोत्सव को धूमधाम से मनाने को लेकर पूजा समिति के सदस्यों ने बैठक की। गढ़वा में भंडरिया प्रखंड के चनेवा पंचायत भवन में मुखिया शंकर सिंह की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय से 10 किसानों को हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग के लिए रांची भेजा गया। नारायणपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। जामताड़ा के पबिया में 2 दिन से लगातार जिले में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। नारायणपुर प्रखंड के मदनाडीह में बिजली का खंभा काफी दिनों से लावारिस है और विभाग बेखबर है। जामताड़ा में कुंडहित प्रखंड के नगरी पंचायत में कमल ज्योति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जामताड़ा में पबिया निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई अभियान चलाया। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के पबिया इलाके में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। जामताड़ा बाजार के काजल साइकिल स्टोर के मालिक से साइबर फ्रॉड ने फोन पर पिन मांगा। नारायणपुर प्रखंड के मंझला डी में नेहरू युवा केंद्र की ओर से सकारात्मक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जामताड़ा के खोखो एसोसिएशन ने तीसरा खोखो प्रतियोगिता संत जोसेफ स्कूल में आयोजित किया। जामताड़ा की कुंडहित नगरी पंचायत मंडल महामंत्री के नेतृत्व में कई गांवों में मेरा परिवार बीजेपी परिवार का झंडा और स्टीकर लगाया गया। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध बालू से लदे हुए 5 ट्रैक्टर को जब्त किया। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में बीजेपी के नेता साहेब हासदार ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के कमला घाटी गांव में एक दिवसीय जलसे का आयोजन किया गया। पाकुड़ के विभिन्न गांवों में संघर्ष यात्रा को लेकर स्थानीय जेएमएम सांसद विजय हासदा ने दौरा किया। पाकुड़ सदर प्रखंड के वर्षा ऑटोमोबाइल में यामाहा के 2 नए बाइक को लॉन्च किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।